के पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो मार्केट बड़ी है कमर्शियली, वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेलें। आईपीएल के साथ अगर मैं क्वालिटी के साथ कंपैरिजन करूं पीएसएल के साथ, तो आई थिंक पीएसएल हमारा नंबर वन पे आ जाएगा, बिकॉज आईपीएल के अंदर सिर्फ रन स्कोरर पिचेस हैं वहां पे आपको ही मिलेंगे, लेकिन पीएसएल के अंदर क्वालिटी ऑफ बॉलर्स, क्वालिटी ऑफ बैटिंग और जिस तरीके से पिचेस तैयार की जाती है। हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता। तो आईपीएल का जो एक मैच है, एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है, पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। टू बी ऑनेस्ट, सबको पता है कि आईपीएल में सारे मतलब प्लेयर्स खेलते हैं, ज्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स खेलते हैं, उतने प्लेयर्स थोड़ी खेलते हैं पीएसएल में। फिर पीएसएल में सारी दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते हैं, ज्यादातर वो खिलाड़ी आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं या जिनको अपनी टीम में जगह नहीं मिल रहा। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आप को पता है क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं आईपीएल में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग के खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं, और पीएसएल में आगे लग रहा कौन सा खतरनाक प्लेयर को लग रहा फेस कर रहा है। लेवल ऑफ क्रिकेट कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल और आईपीएल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। स्टार जैसे प्लेयर आ जाते हैं, मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ जाते हैं, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर आ जाते हैं, वॉक्स आ जाता है, कितना कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर, और यहाँ पे पीएसएल के अंदर यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोगों ने कहां से स्टार जैसे प्लेयर को खरीद। तो काफी बड़े बड़े नाम मिसिंग भी हैं, इंडियन प्लेयर्स की तो हम बात नहीं कर रहे, वो तो जाहिर है कि मतलब हमारे पास उतने पैसे भी। आईपीएल वर्सेस पीएसएल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इधर से बैठ के लोग कहते हैं यार पीएसएल सबसे बड़ा है, जबकि आप लॉजिकली रियलिस्टिकली देखो तो आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल टाइम। क्या पीएसएल और आईपीएल बराबर है? ये सवाल किया डीडी टीवी शो के अंदर बिस्मोलक से। बिस्मोलक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बिस्मोलक ने कहा कि जिस तरह हमारा पीएसएल एक चैप्टर है क्रिकेट का, जो आईपीएल है वो पूरी की पूरी बुक है क्रिकेट की। जितना पैसा हम एक टीम को खरीदने के लिए लगाते हैं पीएसएल के अंदर, पूरी पूरी टीम खरीदते हैं, उतने पैसे में आईपीएल का एक प्लेयर आता है। मिसाल के तौर पर 2022 की ड्राफ्टिंग के मुताबिक जिस तरह एक प्लेयर ट्रेविस हेड था, कोई भी बड़ा प्लेयर लगा ले, अगर उस प्लेयर को 15 करोड़ दिए इंडिया ने आईपीएल खिलाने के लिए, उसी प्लेयर को पीसीबी ने पीएसएल खिलवाने के लिए सिर्फ 50 लाख दी है। तो कोई प्लेयर पागल है जो 14-15 करोड़ को छोड़कर 50 लाख लेगा? ऐसा कभी भी नहीं होता। मैक्सवेल, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने हर गिर्द इनकार कर दिया कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। यहाँ तक के बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली सिर्फ इस वजह से कि वो आईपीएल खेल सके। अपने आप की फिटनेस का ख्याल रखते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं आईपीएल की, आईपीएल में परफॉर्म करके मुंह मांगे पैसे लेते हैं। पीएसएल के अंदर वो जो थके प्लेयर आते हैं, वो फॉरम प्लेयर जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, या वो फॉरम प्लेयर जिनकी फॉर्म नहीं है, या वो फॉरम प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं अपनी क्रिकेट से, जस्ट वो पीएसएल खेलने के लिए आते हैं, अदरवाइज कोई भी बड़ा प्लेयर खेलने को तैयार नहीं। वहाब रियाज, मिसबाह, यहाँ तक शायद अफरीदी, शुएब अख्तर भी ये बात कह चुके हैं कि हम जो कुछ मर्जी कर लें, हमारा पीएसएल आईपीएल से बहुत पीछे है, क्योंकि हमें 8 से 2 साल हो चुके हैं पीएसएल करवाते हुए, लेकिन 8 साल के अंदर भी कोई एक मर्तबा भी कोई बड़ा प्लेयर कैच नहीं कर पाए। जिस तरह इस 2023 का सबसे बड़ा प्लेयर ट्रेविस हेड और मैक्सवेल है, इस मर्तबा दोबारा पीसीबी का काम रहा पीएसएल के अंदर। किसी भी सूरत में हर टीम ने जोर लगाया, लेकिन मैक्सवेल की डिमांड के मुताबिक रेट नहीं लगा, इसलिए मैक्सवेल ने इनकार कर दिया कि वो पीएसएल खेले नहीं आएंगे, और अपने मुंह मांगे दामों आईपीएल में उनको पैसा मिला, मुंह मांगे दामों पर आईपीएल में खेलने के लिए चले गए, और वो हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेलें। आईपीएल में लोग इसलिए खेलना पसंद करते हैं, पीएसएल में इसलिए लोग खेलना पसंद नहीं करते हैं,
क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा तगड़े प्लेयर है। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आपको पता क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं आईपीएल में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग के खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं। और पीएसएल में आगे लग रहा कौन सा खतरनाक प्लेयर को लग रहा फेस कर रहा है? उसको यहाँ पे ले जाओ गली क्रिकेट के अंदर, छह बॉल में छह छक्के मैं मारूंगा जैसा वो बॉलर है। आईपीएल बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, आप देखिए बीसीसीआई टॉप का ब्रांड है, टॉप का आपको पता है बोर्ड है दुनिया का। आज ही एक आर्टिकल पढ़ी थी, उनकी तरफ से कहा था कि पीएसएल और आईपीएल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। स्टार जैसे प्लेयर आ जाते हैं, मैक्सवेल जैसे प्लेयर आ जाते हैं, क्रिस जॉर्डन जैसे प्लेयर आ जाते हैं, वॉक्स आ जाता है, कितना कितना बड़ा दुनिया का बैट्समैन खुद अपनी ड्राफ्टिंग करवाता है आईपीएल के अंदर और यहाँ पे पीएसएल के अंदर। और यार हमारे अपना मुल्क का कर्जा नहीं उतरा तो हम लोगों ने कहां से स्टार जैसे प्लेयर को खरीद? हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता, किसी टीम का थर्ड क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं। और इन दी एंड इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने साथ ये चीज खिला ली है। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने, आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गई है, आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी बात सुनो, आईपीएल अपने मुकाम पे ऊपर गया है। यार आप भी अपना मुकाम पैदा कर लेना, घंटे 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 हो घंटे हो अपना मुकाम पैदा करो, क्यों नहीं करते आप अपना मुकाम सारा? ये जी पीएसएल को नाकाम करवाने में इंडिया का हाथ है, उनका किधर से हाथ है मुझे बताओ।